हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फाइन आर्ट स्टडी। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ विजुअल आर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स, जैसे कला के इतिहास, सभ्यता, काल, साम्राज्य आदि के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है ऐतिहासिक काल, के बाद है आद्य ऐतिहासिक, और सबसे लास्ट में है ऐतिहासिक काल। फर्स्ट है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के तीन पार्ट हैं, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इसमें है पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल का समय है 2 लाख ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व। उसके बाद है मध्य पाषाण काल, इसका समय है 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व। सबसे लास्ट में है नवपाषाण काल, इसमें है 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। देखिए, इस पुरापाषाण काल में चूने पत्थर से बने औजारों का प्रयोग किया गया था तथा आग की खोज भी पुरापाषाण काल में ही की गई थी। उसके बाद है मध्य पाषाण काल में सूक्ष्म औजारों का प्रयोग किया गया था, यानी औजार थोड़े और अच्छे विकसित हुए थे। उसके बाद है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में अनाज का उत्पादन किया गया था, उपकरणों पर पॉलिश की गई थी। उसके बाद है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का समय है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, और वैदिक सभ्यता का समय है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता और शहरी सभ्यता भी कहा जाता है। वैदिक सभ्यता के दो काल हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। देखिए, उत्तर वैदिक काल में महाजनपदों की स्थापना की गई थी तथा शहरी चरणों का विकास भी उत्तर वैदिक काल में ही किया गया था। इसके बाद है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल के हैं प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और आधुनिक विश्व। सबसे पहले है प्राचीन भारत। प्राचीन भारत का समय है, प्राचीन भारत में 600 ईस्वी पूर्व से 712 ईस्वी। मध्यकालीन भारत का समय है 712 ईस्वी पूर्व से 1707 ईस्वी। उसके बाद आधुनिक भारत है 1707 ईस्वी पूर्व से 1964 ईस्वी, और आधुनिक भारत है 14वीं शताब्दी से 1950 ईस्वी। उसके बाद बात करते हैं प्राचीन भारत। प्राचीन भारत का समय 600 ईस्वी पूर्व से 712 ईस्वी। इसमें कौन कौन से काल हुए थे? सबसे पहले है महाजनपद काल। महाजनपद काल का समय है छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व। इसमें महाजनपद काल में 16 राज्यों के साथ विशेष राजतंत्र स्थापित हुआ था। उसके बाद बात करते हैं मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य का समय है 600 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व। मौर्य साम्राज्य का समय है 323 ईस्वी से 184 ईस्वी पूर्व। मौर्य साम्राज्य को संगम काल भी माना जाता है चेर, पांड्य और चोल साम्राज्य का। उसके बाद है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल का समय है 184 ईस्वी से 313 ईस्वी। गुप्त साम्राज्य का समय है 319 ईस्वी से 550 ईस्वी। इसके बाद है हर्षवर्धन काल। हर्षवर्धन काल का समय है 606 ईस्वी से 647 ईस्वी पूर्व। उसके बाद आता है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत का समय है 712 ईस्वी पूर्व से 1707 ईस्वी। ये मध्यकालीन भारत के दो पार्ट हैं, पूर्व मध्यकालीन और उत्तर मध्यकालीन। पूर्व मध्यकालीन का समय है 8वीं से 12वीं शताब्दी तक, और उत्तर मध्यकालीन का समय है 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक। उसके बाद बात करते हैं पूर्व मध्यकालीन की। पूर्व मध्यकालीन का समय 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक। इसके तीन पार्ट थे, उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण भारत। सबसे पहले है उत्तर भारत। उत्तर भारत में कौन कौन से राजा हुए? राजपूत, पाल और गुज्जर प्रतिहार। उसके बाद है दक्कन। दक्कन में हुए चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूट।
उसके बाद है दक्षिण भारत, दक्षिण भारत के हैं चेर, पांड्या, चोल और शाही चोल। शाही चोल इनका समय है 9वीं से 12वीं शताब्दी। उसके बाद सबसे लास्ट में बात करते हैं उत्तर मध्यकालीन भारत की। ये उत्तर मध्यकालीन के भी तीन पार्ट हैं, उत्तर उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण भारत। उत्तर भारत में साम्राज्य हुए थे दिल्ली सल्तनत, इनमें चौहान और मुगल। उसके बाद है दक्कन, दक्कन में हुए विजयनगर और बहमनी। दक्षिण भारत, दक्षिण भारत में चेर, देवगिरी। उसके बाद है वारंगल के द्वार समुद्र के यादव और काकतीय के होलसेल। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।